हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस हलवे को हम बिना मावा के बनाकर तैयार करेंगे, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजर को धोकर अच्छे से पील कर लिया था, यानी उसे छील लिया था, और उसके बाद उसको धोकर फिर से अच्छे से ग्रेट कर लिया, यानी कद्दूकस कर लिया है। तो अब मैंने गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई, गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम। इसमें डाल दूंगा मैं 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी। तो घी को हम मेल्ट कर लेंगे। तो घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसके अंदर हम ग्रेटेड की हुई गाजर डाल देंगे। तो दोस्तों, गाजर में जो पानी होता है हम उसे दबा दबा कर निकाल देते थे, तो हमें ये स्टेप नहीं करना है। हमें गाजर का पानी नहीं निकालना है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरल शुगर होती है उसमें, यानी उसकी प्राकृतिक मिठास होती है, तो हम उसको निकालेंगे नहीं। तो हम इसे बिना पानी निकाले इसका हम पकाएंगे। तो बस इसको हम इसी तरह चलाते हुए इसका पानी ख़त्म होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे, लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। तो लगभग 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया। इसका जो पानी था वो एकदम ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम एक दो बार और जला देते हैं। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं लगभग 1 लीटर के करीबन दूध। तो ये प्योर मिल्क है, तो यहाँ पे मैंने प्योर दूध इसमें ऐड किया है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अब इसी तरह मिक्स करते हुए हम इसे चलाते हुए पकाते रहना है, जब तक ये दूध है एकदम ख़त्म ना हो जाए, यानी दूध इसका रिड्यूस ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि दूध है वो रिड्यूस हो चुका है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं लगभग 1 कप के करीबन चीनी, यानी शुगर। तो चीनी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी इसमें पिघलने लग जाएगी और ये एकदम पतला हो जाएगा। तो हमें इसे फिर से इसी तरह कुक करते जाना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये पतला हो चुका है। अब इसको हमें इसी तरह जलाते हुए कुक करते जाना है। तो इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी चीनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई, यानी रिड्यूस कम हो चुकी है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और मिल्क पाउडर भी ना डालें तो आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद क्या होगा कि इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हम इसे लगातार चलाते रहना है, गुठलियाँ नहीं पड़नी देनी है हमें इसमें। हमें लगातार चलाते रहना है, इसे हमें कुक करते जाना है। तो थोड़ी देर बाद इसे कुक करने के बाद इसमें डाल दूंगा मैं काजू, बादाम और किशमिश, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो आप अपने मन के अनुसार कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा हलवा है वो एकदम रेडी हो चुका है, एकदम बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगा बंद। अब देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस हलवे को सर्व करने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल, यानी छोटी सी मैंने कटोरी लिया है। इस कटोरी को मैं हलवे से फुल भर दूंगा और अच्छे से प्रेस कर दूंगा, या चम्मच की सहायता से मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दे रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, आप इसे गरम गरम हलवे में ही करें। तो अब इसके ऊपर रख दूंगा मैं एक प्लेट, और इस प्लेट को मैं पलट दूंगा और इस कटोरी को मैं हटा दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा हलवा कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर डाल दूंगा मैं थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ते। दोस्तों, हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।